आज सागर जिले के राहतगढ़ में एक बहुत बड़ी अनहोनी टल गई। राहतगढ़ नगर के वार्ड क्रमांक 13 में दुलारे पिता सफी कुरैशी के मकान का मचान टूटने से मकान क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आज सुबह लगभग 6 बजे आवेदक आवासीय मकान की मियाल टूटने से छाई हुई फर्शियाँ अचानक गिर गई, जिसमें आवेदक की सामग्री पलंग, अलमारी, कूलर और घरेलू सामान उपयोग के अन्य सामग्री पूर्ण रूप से नष्ट हो गई। क्षतिग्रस्त हुए मकान में लगभग 50,000 का नुकसान बताया जा रहा है। इसको लेकर दुलारे पिता सफी कुरैशी ने राहतगढ़ तहसीलदार को आवेदन दिया है। वहीं आवेदक दुलारे कुरैशी ने बताया कि मकान के अंदर 2 बच्चे थे, वह बाल बाल बच गए। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री आवास का मैं 5 बार फार्म भर चुका हूँ, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री आवास का मेरे घर पर सर्वे नहीं हुआ है, हमारी कोई सुनता ही नहीं। CMO BA चौहान ने बताया कि मकान की हालत ख़राब है, पहले नगरपालिका में नोटिस दिए गए हैं, जो ज़्यादा मकान है उन्हें खाली करने के निर्देश भी दिए गए हैं, उसका मुआवजा राशि तहसील कार्यालय से दी जाएगी। राहतगढ़ से सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। सर, शहर में बरसात के चलते मकान गिरने के मामले सामने आ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? जो मकान मान लो जिसकी हालत खराब है, तो वो नगरपालिका से भी पहले कुछ लोगों को नोटिस दिए गए हैं जिनका जर्जर मकान है, तो अगर वो ज़्यादा जर्जर है तो उनको खाली करने के यहाँ से नोटिस दिए गए हैं। और अगर मान लो किसी का मकान गिरा है तो उसकी जो मुआवजा राशि के संबंध में आपने अभी बोला था जी, वो तहसीलदार कार्यालय से दी जाती है, यहाँ से उसका संबंध नहीं है। दुलारे कुरैशी का कहना है कि लगभग 5 बार मैं प्रधानमंत्री आवास का फार्म जमा कर चुका हूँ, लेकिन आज तक सर्वे नहीं हुआ है। अब ये हम दोबारा उसका सर्वे दिखवा लेंगे, अभी तक तो उसका नाम हमारी सूची में नहीं है, हमने पता करा लिया है जी, और अगर उसने आवेदन दिया होगा तो वो उसको मिल जाएगी। घर गिर गया, मियाँ टूट के नीचे गिर गई है। कोई जनहानि तो नहीं हुई? नहीं, 2 बच्चे थे, खाना खा रहे थे, बच गए। कुछ माली नुकसान क्या क्या हुआ? माली नुकसान हो गया, सोफा टूट गया, अलमारी टूट गई, कूलर टूट गया, और बर्तन भारे हैं जो दब गए छाव के नीचे। आवेदन दिया आपने? आवेदन तहसीलदार साहब को दिया है। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री आवास का फार्म जमा किया? किया, 5 बार किया, कोई सुनवाई है ही नहीं। अभी जो सामने दीवार दिख रही है, अभी बाद में बनाई? जी अभी बनाई, घर गिर गया तो रहने बसर करने को पनी तान दी। तो प्रधानमंत्री आवास में आपने फार्म जमा किया, कितनी बार जमा किया? 5 बार जमा कर दिया। अभी तक कोई आपका सर्वे नहीं हुआ? कोई सर्वे नहीं हुआ, जेब कहने नहीं आए, फोटो लेने भी नहीं आए, कहाँ से आए कोई पता ही नहीं है, जेब पूछने भी नहीं आए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।